हेलो फ्रेंड्स, ये मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेसन में हल्दी मिर्ची नमक डालकर इसे फेटेंगे, अच्छी तरह से फेटें, बिल्कुल सॉफ्ट भजिया बनेंगे ज़्यादा फेटने से। फिर कढ़ाई में तेल डालकर और तेल को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसमें छोटे छोटे भजिया तोड़ेंगे, छोटे छोटे भजिया तोड़ दें। अब भजिया को सेक कर निकाल लेंगे एक बाउल में। इस तरह से खरी थोड़े से भजिया सिकने चाहिए। अब इसी तेल में मैं कढ़ी भगारूंगी। लाल मिर्च, हींग, मेथी, राई, लहसुन अदरक का पेस्ट, मीठी नीम, ये सब डाल देंगे तेल में और इसके चटक जाने पर इसमें मठा डाल के बघार देंगे। मठा पहले डाल के बघारने से कढ़ी जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं पहले मठा डाल लेती हूँ। फिर बेसन को मठा में घोलकर जब मठा में उबाल आ जाए तो फिर उसमें बेसन डाल देंगे। एक उबाल आने तक रुकेंगे और मठा में हल्दी मिर्ची नमक सब डालकर मठा में उबाल आए तब तक रुकें और फिर इसमें मठे में घुरा हुआ बेसन डाल दें। इस तरह से बनाने से कढ़ी जल्दी बनती है। अब ये देखिए उबाल आने लगा है और मैंने इसमें बेसन और मठा डाल दिया है। अब इसमें एक स्टील की कटोरी डाल देंगे, चलाकर अच्छे से एक स्टील की कटोरी डाल देंगे। स्टील की कटोरी डालने से कढ़ी नीचे नहीं गिरती है और ये कढ़ी उबलने लगी है। अब इसमें भजिया डाल दिए हैं। भजिया अच्छे एक उबाल आ जाए तब भजिया पक जाएंगे तो उनको बंद कर देंगे। भजिए में अच्छे से कढ़ी भर जानी चाहिए और भजिया सॉफ्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए कढ़ी तैयार है।